मैं महाभारत काल से एक उस पक्ति का कर्ण, कर्ण एक ऐसा किरदार था, लोग कहते हैं कि कमजोर आदमी के साथ छल होता है। कर्ण अपने समय का अर्जुन से भी बलवान आदमी था, लेकिन उसके साथ छल हुआ। प्रभु श्री राम के ऊपर भी जो इनके पूर्वज थे उनके महानता भी किसी कोण से कम नहीं थी। बेशक वचन के पालन में, अपनी प्रतिज्ञा के पालन में लोगों ने सब कुछ गवा देना सीखा, लेकिन अपने वचन के पीछे हटना नहीं सीखा। वो रघुकुल के श्री राम है, मैं उनके ऊपर की पीढ़ी की चार पक्तियां कह रहा हूँ। स्वागत 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 लोगों के समक्ष वहां से शुरू करता हूँ। स्वागत कि प्राण गवा वचन की रक्षा रघुकुल रीत पुरानी थी। प्राण गवा वचन की रक्षा रघुकुल रीत पुरानी थी, अब वचन की रक्षा करने में भी दशरथ जान भी जानी थी। वाह 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 वाह, ये कुल पहले से ही महान था और अपने न्याय व्यवस्था में अपना पराया इसने कभी नहीं देखा। तब ये पक्तियां गुरु जी के सानिध्य में पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। स्वागत कि प्राण गवा वचन की रक्षा रघुकुल रीत पुरानी थी, वचन की रक्षा करने में ही दशरथ जान भी जानी थी। स्वप्न दान दे हरिश्चंद्र, स्वप्न दान दे, स्वप्न में उन्होंने दान दिया। आजकल तो दिन में कुछ कह दे तो शाम को कुछ कह दे, पूछे भैया आपने कहा था, कहेंगे वो जुमला था। स्वप्न दान दे हरिश्चंद्र, अटल सख्त पर डटे मिले और नीत खुली तो डोम राज घर काशी में ही बिके मिले। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वो रघुकुल है, वो रघुकुल के लोग है। पहले भी स्वप्न में दान दे दिया, नीत खुली तो दक्षिणा देने के लिए काशी में बिक गए पत्नी के साथ। तब ये पक्तियां पढ़ता हूँ गुरु जी के सानिध्य में कि पुरुषोत्तम भगवान राम का कणकण में सम्मान रहेगा। वाह, पुरुषोत्तम भगवान राम का कणकण में सम्मान रहेगा और किर्क पता का फर आएगी जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पुरुषोत्तम भगवान राम का कणकण में सम्मान रहेगा, किर्क पता का फर आएगी जब तक सूरज चांद रहेगा। और न्याय व्यवस्था कितनी कठिन थी, कितनी कठोर थी सुनकर आज के जमाने के लोग तो सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्ति के शंका पर चर्चित दंड विधान रहेगा। राम राज में राम फैसला राज धर्म सरमान और माँ सीता को बन जाने का मर्महत फरमान रहेगा। उसी धरा पर नाम अमर युग युग तक सीताराम रहेगा। क्या बात है, वाह 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 भाई, तालियां कमजोर है आपके, जोरदार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। राम के साथ सीता का नाम अमर है और रहेगा, बिना सीता के राम अधूरे हैं और बिना राम की सीता अधूरी है। अब छह देवता पर एक एक लाइन में पढ़ूंगा। स्वागत है कि कब कौन कैसे आते हैं, किन परिस्थितियों में अवतार लेते हैं, किन किन संकटों से यहाँ जंजर को दूर करते हैं, आप लोग सुनिए। स्वागत परिगर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे। है है है, परिगर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, परिगर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, हुआ व्यभिचार भोले शंकर जी शमशान आएंगे। भाई वाह वाह, ये लोग बुराइयों को नाश करने के लिए अलग अलग आते हैं, तो कैसे आते हैं। परिगर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, बढ़ा हुआ व्यभिचार भोले शंकर जी शमशान आएंगे, और आदर्शों पे आज आई तो श्री राम आएंगे।
आदर्शों पे आज आई तो श्री राम आएंगे, बढ़ा अन्याय चक्र साथ ले घनश्याम आएंगे। निरंकुश हो गई सत्ता, अगर निरंकार में निरंकुश हो गई सत्ता, अगर अहंकार में तो नशा सत्ता की उतारने पर सुराम आए। भाई वाह 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 वाह। निरंकुश हो गई सत्ता, अगर अहंकार में नशा सत्ता की उतारने पर सुराम आएंगे। और तू रावण भी बन जाए तो कोई गम नहीं राजा, तेरी लंका जलाने पूछते हनुमान। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह क्या कहने, बहुत ही शानदार काव्य पाठ कर रहे दादा, स्वागत है। अब मैं पहले ही कहा था कि वचन त्याग संकल्प प्रतिज्ञा, ये रामायण काल और महाभारत काल दोनों इसी पर चला। मैं महाभारत काल से एक कुछ पंक्तियां, कर्ण एक ऐसा किरदार था, लोग कहते हैं कि कमजोर आदमी के साथ छल होता है। कर्ण अपने समय का अर्जुन से भी बलवान आदमी था, लेकिन उसके साथ छल हुआ। स्वागत। मैं कर्ण के शब्दों में इस कविता को आप लोग सुनिए, कर्ण क्या कह रहा है। स्वागत। और अपने माता पिता की भी शिकायत करता है तो कितनी सभ्य भाषा में करता है। आजकल तो माता पिता छुपे रहते हैं बुढ़ोती में कि कहीं वृद्धाश्रम में भेज दें। कर्ण की बात सुनिए, कहता है, स्वागत। जन्म से हमने छल झेला, छल में ही जीना मरना था। जन्म से हमने छल झेला, छल में ही जीना मरना था। माँ की ममता मिली नहीं, गंगा में बहकर जाना था। शिकायत करता है, क्या कह दूं माँ की ममता को, क्या कह दूं माँ की ममता को, जिसका स्तन पिया नहीं और बेटा होकर एक दिन भी माँ आंचल में जिया नहीं। वाह 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 वाह। पिता उसके कौन थे, सूर्य, उनकी बारे में बोलता है। पिता हमारे सूर्य देव का अपनापन भी मिला नहीं, छल पर छल झेला हमने पर उनका आसन हिला नहीं। और इंद्र हमारा कवच मांग भी अर्जुन को नहीं जिता पाता, पिताजी दो पल रुक जाते तो अर्जुन को कौन बचा पाता। जी वो बाण चला रहा, सूर्य अस्त हो गया, उसने बाण खींच लिया, कहता है कौन बचा पाता। फिर कहता है कृष्ण की फितरतबाजी भी उस दिन काम नहीं आती, कृष्ण की फितरतबाजी भी उस दिन काम नहीं आती, जयद्रथ की परछाई भी अर्जुन तक पहुंच नहीं पाती। चक्र सुदर्शन के पीछे घर जाकर नहीं छुपे होते, अर्जुन मृत्यु सुनिश्चित थी घर छुपकर नहीं हुए हो। क्या कहने, क्या कहने, क्या अपने पिताजी का। बेशक। फिर कह रहा है कैसे कह दूं कृष्ण को ईश्वर, वो नटवर बहुरंगी था। कैसे कह दूं कृष्ण को ईश्वर, वो नटवर बहुरंगी था, और चोरी से अर्जुन के रथ पर बैठाया बजरंगी था, और खुद तीनों लोक का भार समेटे अर्जुन रथ को हांक रहा था, और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाण चलाते कांप रहा था। क्या बात है, वाह 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 वाह। काज इसके बाद भी शिखंडी के पीछे से बाण चला रहा था और कांप रहा था। अंत में अपने मृत्यु का कारण बताता है, गुरु परशुराम का साप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था, अभिमन्यु संग धोखे के कर्जे का संताप भी था, और दुर्योधन के एहसानों पर खरे उतर भी जाना था, और कृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना। वाह वाह, क्या बात है, वाह, कृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना था। और एक कवि सम्मेलन का क्या हो रहा है, मैं चार पंक्तियां काशी पर कहकर, नहीं दादा ऐसे चार पंक्तियां काशी पर कह रहे कह दीजिए, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलर कविता है गौया में वो बातें ना ही, वो जरूर सुना करके आप विदा लीजिएगा, क्योंकि अपनी बोली की बात नहीं होगी तो कवि सम्मेलन अधूरा रहेगा। स्वागत है।
को एक शीर्षक बहुत पहले लिखा था, गौवा में वो बातें नहीं। अब गांव के लोग हैं, तमाम भाई लोग सब लोग गांव से ही आते हैं, गांव में पहले अब में मैंने लिखा था गौवा में वो बातें नहीं। गौवा में सूरज के डूबते बैठे लोग पलानी में, हुक्का चीलम लेके लड़का जुड़ जा दाना पानी में, छानी छप्पर मरे ही गायब, कौड़ा कहीं बराते नहीं गौवा में। गांव में बेटवा बिटिया पिए दूधवा भरी गिलास, अब तो खाली चिंता लागल फेल होई की पास, अब फरी तलैया कुश्ती दंगल जोड़ी कहीं भजाते नहीं। वाह 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 वाह। ढेकुल पुरहट बल्टी कोलू थपुआ नरिया गायब, भाईचारा अपना अपना सब ही बने लनायब, आ दूध दही सब शहर में पहुंचल माठा कहीं महाते नहीं। वाह गौवा में वो बातें नहीं, क्या बात है गुरु। वाह भदई के रहनिया के भतवा लिट्टी चना के रैया के, दूध दही की बहती नदिया चिंता नहीं रुपया के, आ सावा टांगुन मड़ुआ संग में कोदो कहीं बोआते। भाई आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है, देखिए मंच डाउन न करिए, बहुत अच्छा काव्य पाठ हो रहा है। गौवा में वो बातें नहीं, क्या बात है। चैती फसल की तैयारी पर होवे शुरू जोगीरा, और ताल झाल करताल बजे मिले के सुने के मिले कबीरा, अब नकली रंग से होती होली असली रंग दिखाते हैं। गौवा में वो बातें नहीं। वाह गवई की पंचायत में पहले टूटत रहे विवाद, अब तो हर गौवा में भैया मार करावे खाद, उखिया कुल मिलिया में जाई मैया कहीं मराते। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह क्या व्यथा है। ननद भौजाई जाता पूछे सास पटोहिया कूटे धान, गोईठी पर जब बने रसोई खान पान में रहल जान, चौकी चाकी ओखरी संग में मूसर कहीं दिखाते नहीं गौवा में वो बातें नहीं, क्या बात है। वाह शादी के मौके पर पहले झूठे खूब बराती, पैदल चले बराती संग में डोली घोड़ा हाथी, आ डफला सिंगा खड़ी भी रहिया गाड़ी कहीं गवाते नहीं। अंतिम लाइन है, स्वागत है स्वागत है, कि ससुर भसुर घरवा के भीतर पैसे खोक खखारी, ये सबसे बड़ी बात है, ये परंपरा खत्म हो गई है। घरवा के भीतर पैसे खोक खखारी, नई बहुरिया पर्दा करके हड्डा छोड़ दुआरी, लुग्गा झूला है कल हंसली घूंघट कहीं देखा। वाह क्या कहने भाई, क्या बात है। मैंने कहा काशी पर केवल दो बंद पढ़ूंगा, काशी पर तो स्वागत है लिखे ही है, कि महादेव के रहने का स्थान काशी, लेखक कवि रचनाकारों की खान है काशी, जहां मोहल्ला गलियां देती देश का परिचय, नजर से देखो पूरा हिंदुस्तान है। तबला सरनी सहनाई में सरनाम है काशी, कुश्ती बिरहा दंगल कजरी धाम है काशी, गली कचौड़ी भूल गए, गली कचौड़ी चौक रास्ता जाम है काशी, देश के पूरे संस्कृत का पहचान है काशी, और काशी करवट काशी की थाती, अमृत है काशी की माटी, सन्यासी बनाकर काशी मोक्ष प्राप्त करते सब बासी, तीर्थों में है पूरी काशी, शिव त्रिशूल की धूरी काशी है काशी, तेरी महिमा से मनसा होती पूरी काशी।